मद्दा चल रहा है। मेरे को पट्टी कराने के पैसे नहीं है, किडनी बेच के मैंने आईफोन लिया था। हंस रहा हूँ यार, एक साथ भी अच्छा नहीं हुआ भाई। कहाँ है, कहाँ गया तू? बस भाई मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। Assalamualaikum and welcome back to another vlog. तो आज हमें जगह नहीं मिल रही थी कोई घूमने की, तो आज हमने सोचा कि यहाँ पर आ जाते हैं तफरी करने। We decided to go to the Fortuner again. ये आ रहे हैं हमारे चौथे साथी। वालेकुम। तो फाइनली टीम पूरी हो चुकी और है, हमारा माइक भी आ चुका है। अब आपको आवाज़ थोड़ी अच्छी आएगी। जो आवाज़ का इशू था वो भी क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं अंदर, थोड़ा देखते हैं। और रैन भाई चाय पिलाएंगे, है ना? नहीं। एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये हमारे रैन भाई स्टार्ट करने से पहले ही थक गए, बैठ गए हैं। आपने जूस नहीं पिलाया। अच्छा, बैठे हुए ऐसे हैं जैसे चंदा दे दें। अभी तो आपको चंदा चाहिए, खुले नहीं है यार। छत में भी पानी गिरता, कुछ और तो नहीं गिरता ना। अच्छा, ये इनको तो जानते हो आप, ये हमारे रहन रफियान साहब हैं, हुज़ैफ़ा। और ये हमारे नए बंदे मुबशिर, हम नाम मेरे। क्या करना है फिर, तो चले आज हम आपको बताएंगे हमारे फॉर्च्यून आर्केड के बारे में, जो कि हमारा फॉर्च्यून आर्केड नहीं है, बस हैदराबाद का है, मेरे बाप का। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, यहाँ रेस्टोरेंट भी है, यहाँ शॉपिंग मॉल भी है, यहाँ आपको के एफ सी मिलेगा, द वन एंड ओनली डोमिनोज भी मिलेगा, आउटफिट्स भी मिलेगा शॉपिंग करने के लिए। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप आ जाए, वरना बोले कोई आने की जरूरत नहीं। वरना आएंगे तो रैन भाई की तरह बैठे रहेंगे, इसी तरीके से आप बैठे रहेंगे। आईफोन मेरा ही है, याद रखियो। इन कुछ ऐसा है, अब रैन भाई हमको जाने हैं चाय पिलाने। आ जाओ भाई, बैठे दो यार। इतनी इंग्लिश जगह पर आने के बाद भी तू चाय नहीं भूल रहा यार? चाय की ऑर्डर बोले, चाय कोई भूलता है? बोलने वाली चीज़ है। सो आपके पास पैसे डालना चाहिए तो हम खाते हैं केएफसी की आइसक्रीम। केएफसी की आइसक्रीम नहीं खिला रहा है। मेरा बाबा दिहाड़ीदार मजदूर है। हमारी छत से पानी टपकता है। तुम्हारे छत से क्या गिरता है? हमारी छत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कुछ भी नहीं गिरता। तुम अमीर हो यार, पैसे वाले हो। बहुत मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा है, बंदे ने भी कहा है यार, बाकी रिलैक्सिंग माहौल है यार रैन भाई। अभी तक तो एक ही हैदराबाद में मरा हुआ, दूसरी कोई इसकी शाख, हमारी दूसरी कोई शाख नहीं है। तेरी शाख है रैन? नहीं है। उर्दू सीख लो थोड़ी सी ब्रांच। बस बस सही है, सही है। नो इंग्लिश, कम टू मी, मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो ये भी हमने अपने दो बंदों को यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि जो दूसरा है ना वो है टिकटॉकर, सो ही विल मेक सम टिकटॉक्स। सो जब तक के लिए हम जा रहे हैं यहाँ पर एक करीब, कौन सी मजा आ रहा है? अच्छा, जो रानी बाग में हमने जो देखा था ना, वो प्रिंट हुई थी दीवार की वाइट वाली, हाँ मैं नाम भूल गया, लेकिन अभी जाकर पता लग जाएगा। महमूद वरी, हाँ कुछ जगह नाम है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यू कैन वॉच इट। तो ये सो लेट्स गो। वो तो अभी वहाँ जब तक वीडियोस वगैरह बनेंगे, पिक्चर्स लेंगे। गाड़ी बहुत दूर खड़ी कर दी तूने, चलेगा कौन अभी? मैंने तेरे को कहा था उधर खड़ी कर यार। अजीब है यार, मतलब बंदा इल्ज़ाम डाल देता यार। कट्टी कट्टी कट्टी, दूर चलने के बाद हमारी गाड़ी आ गई, जो कि इन्होंने बहुत दूर चाबी ये ही मेरे पास। कौन सी है हमारी यामा? अबे मिली नहीं, ये रही। अबे मैं वो वाली दिखा रहा था। फाइनली तूने वो दी। अबे किसी और की गाड़ी को ऐसे लगे, अभी पुलिस आ जाएगी, बोलेगी चोरी कर रहे हो। सेंसर लगा हुआ इसमें बेटा,
बाकी अगर किसी ने अपन को चोरी का इल्जाम लगा दिया फिर तो जाएगा जेल में, सेम कपड़ा पहले बोला हम भाई हम जा रहे हैं जेल में जाएगा। तो ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं, कौन सी मतलब मुफ्ती महमूद अलवरी जो हमने रानी बाग वाले व्लॉग में आपको दिखाई थी। जी हाँ, ठीक है, ये वाली साहब हैं, साहब ज़्यादा जुबेर साहब के वाली साहब, बाकी सुबह सेक्रेटरी सदर हैदराबाद, हैदराबाद जो कि चाबी वाले हैं कितना निशान चाबी। तो बेसिकली जो ताज पीछे जो ये मतलब इनकी मज़ार बनी हुई है बिल्कुल सही एक आगरा वाले ताजमहल का अक्स देती है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। चलिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अपनी अपनी चप्पलें हाथ में उठा लो, चोरी ना हो जाए। मेरी भी उठा रहा है, चल भाई सही है, देख कितना प्यारा बच्चा है, चप्पलें उठानी है क्योंकि चोरी हो जाएगी। कितना प्यारा बच्चा, चलो अब खुश मत हो दादा, चलो। तो आप व्यू देख सकते हैं, रफियान भाई अपने अब्बू को टोपी देते हुए क्या बोल रहे हो, दूर हूँ। इसे पहली बार इसने सच बोला कॉल पर कि मैं कासिम चौक पर हूँ, वरना तो पापा हाँ मैं भी उधर हूँ, उधर कमेले पर हूँ, कमेले पर हूँ, उधर बता रहा हूँ। थोड़ा सा पार्क वगैरह भी है यहाँ पर, ये मस्जिद है, मतलब थोड़ा अंदर जाते हैं, मज़ार पर चलते हैं, फातिहा वगैरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको छोटा सा विजिट था हमारा, हमने आपको जो कि दिखा दिया कि इट इज़ ऑल्सो द पॉइंट इन हैदराबाद। सो अगर किसी को भी मतलब अगर सूफीज़म से थोड़ी सी अटैचमेंट है, सो ही कैन कम हेयर फॉर रिलैक्स, फॉर रिलैक्सिंग हिज माइंड एंड फॉर द प्योरीफाइड सोल, सो यू कैन विजिट दिस मज़ार, गिव्स यू सच अ ब्यूटीफुल सीनरी। सो नाउ वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड द KFC, जो कि हमें पहले KFC ही जाना था, है ना, पहले हमें KFC ही जाना था, लेकिन हमने सोचा ये पॉइंट है तो इसको भी क्यों छोड़ें हम, राइट। तो दिखा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सिनेमैटिक पसंद आया होगा, छोटा सा सिनेमैटिक था लेकिन पसंद आया होगा। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू KFC, KFC में जाके यार मैं चाय पीऊंगा हमारी मैं मरहबा पर चाय पीऊंगा, मैं नहीं जा रहा, काम धंधा तो आजकल चल रहा नहीं है, तो हम बर्गर वर्गर तो खा नहीं सकते, सो वी विल जस्ट गो विद द KFC। काम धंधा नहीं, आइसक्रीम मद्दा चल रहा है, मद्दा बबुआ मद्दा है, पानी से पापा खाने का टाइम मद्दा चल रहा है। मेरे को पट्टी कराने के पैसे नहीं है, किडनी बेच के मैंने आईफोन लिया था, हंस रहा हूँ यार, एक तरफ अच्छा नहीं हुआ। ये देख रहे हो, ये होता है मोबाइल के साइड इफेक्ट्स, मैंने ऐसे में ये लिखा नहीं था, बट नाउ आई विल राइट दिस थिंग इन एस ए टू डेट इट डाइवर्ट्स योर माइंड, ये बाइक भूल जाते हैं। तो फाइनली हम दोबारा यहाँ पर आ चुके हैं, तो कहा तो हमने KFC का, लेकिन चाय पीनी पड़ी, चाय मरहबा पे। तो वेल अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी अपनी, तो कौन सी गाड़ी पे है रफियान? प्रेंग हो गया, प्रेंग हो गया इसके साथ, इसको लिटरली नहीं पता था द ऑल एक्सप्रेशन पर ओरिजिनल कैसा लगा आपको, इसका दिल लड़ा कर रहा हुआ देखियो, 720 तो अब हम जा रहे हैं मरहबा। तो मरहबा के ऊपर है चाय वाला, मरहबा एक शॉपिंग मॉल है, सुपरमार्केट है सॉरी, तो उसके ऊपर है इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, सो लेट्स गो। तो वैसे वहाँ से होने के बाद यहाँ पर आने में मतलब मगरिब तो हो गई है, तो काफ़ी अच्छा माहौल हो चुका है, मतलब रात हो गई एक तरीके से, लाइटिंग्स वगैरह ऑन हो गई हैं, तो लेट्स आई मीन लिटरली ये दोनों पहले पहुँच गए मेरे से, लेट्स गो। तो ये थी वो दीवार जो मैंने कहा था खुद ही खुल जाती है, तो मैं हूँ वेटर। सो आप क्या लेना पसंद करेंगे? चाय। चाय आप? चाय, ठीक है, तो आप गरीब बेटर को पिलाएंगे? भाई आप पी लेना, हम बचा के दे देंगे। वेल आई एम जस्ट बीइंग काइंड, क्योंकि मैं हूँ इतना काइंड, मैंने बेटर से मेन्यू ले लिया, बोला यार बेटर को यहाँ तक चल के आना पड़ेगा, तो मतलब आई एम वेरी मच काइंड, अपनी ही तारीफ नहीं, मैंने मेरी तारीफ अपने नेके गवा दी,
तो अभी हमने यहाँ पर चाय पी ली है, अच्छी दिख गया, थोड़ी सी अच्छी दिख। तो अब बेटा आपने चाय पी है ना, वी विल गो टू केसी टू, ये मुझे आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम चाय के ऊपर आइसक्रीम क्या हुआ, मैं तो खा ली। हम जा रहे हैं कैसे, चलो वैसे ये ब्लॉग चार जगह, अपन चौथी जगह हो गई ना, मतलब एक पार्क था उसका नाम होगा खुवारी, बाकी जगह बिल्कुल भी खत्म हो गई। अगर आपको पता है हैदराबाद में कुछ प्लेसेस हैं जहाँ का ब्लॉग बन सके तो काइंड प्लीज कमेंट, प्लीज टेल, कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पे। बहुत परेशान हो रहे, जगह नहीं मिली हैदराबाद में, बहुत छोटा सा हैदराबाद, आई लाइक इट। तो ये अब हम जा रहे हैं लिफ्ट में, किसके साथ, दाना नीर के साथ। हेलो, बिल्कुल हमको जाना है ग्राउंड पे, हमें जाना है ग्राउंड फ्लोर पर। तो ये खेल हमें पसंद आ गया है, तो अगेन कड़ा मरना, तेरे को डर नहीं लगता? ये चोर ये, अभी हमने KFC से आइसक्रीम भी खा ली थी और अब वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, अब हम आ गए हैं। इनका एंड भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, सबको लग रही है भाई, मुझे भी उसको भी जा रहा था शोरमा खाने का। तो रफियान गया हुआ शोरमा लेने, हम शोरमा खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है। ये यहाँ का हैदराबाद का बेस्ट शोरमा है, हैदराबाद के अंदर। इसकी भी लोकेशन पूछ लेना आप, क्योंकि ये कोई इतना भी मतलब खूबसूरत खा पता नहीं वाला, स्ट्रीट फूड है। हाँ स्ट्रीट फूड है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा है, टेस्ट में बहुत अच्छा है। क्या टेस्ट में बहुत अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, बाय बाय बाय।